सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सभी के खाते में 2500 रुपए आ गए हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ गए हैं। या 2500 रुपए किन किन लोगों के खाते में आए हैं, किन किन लोगों के खाते में नहीं आए हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है, जिससे कि अगर आपका नाम आया है तो आपको पता चल जाए, अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको पता चल जाए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपके भी प्रदेश की वीडियो बना सकूं। आपके भी प्रदेश में किन किन महिलाओं के नाम आए हैं, नहीं आए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनके नाम नहीं भी आए हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या थी। तो आपका नाम आया है, नहीं आया है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आइए जानते क्या है आगे की प्रोसेस। तो आपको एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो स्क्रीन है इस पर नीचे देख सकते हैं पेंशनर सूची 2020 और 21 लिखा हुआ है। तो आपको पेंशनर सूची 2020 और 21 पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके का ऐप आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो आपको ये नीचे बढ़ाना है, यहाँ पे देख लीजिए जनपद लिखे हुए हैं कि आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी जनपद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जनपद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अपना जनपद सेलेक्ट कर लीजिए, आप जिस किसी भी जनपद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपका जो विकास खंड है, अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका विकास खंड हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लिया। विकास खंड सेलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। जो आपकी ग्राम पंचायत है, अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया है, आप भी अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो गांव है वो गांव कौन सा है, तो अपना आप यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका गांव हो। तो मैंने यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जिन लोगों का पैसा आया है, मतलब आपके गाँव में कितने पेंशनर्स हैं, आपके गाँव में कितने लोगों के मतलब खाते में पैसा आया है, कितने आपके गाँव में लोग हैं जिनके खाते में पैसा आया है, तो देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे अगर मेरा गांव रामनगर है, तो रामनगर के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रामनगर में 9 लोगों का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 9 पे क्लिक कर देना है, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया है। तो ध्यान से देख लीजिए इन लोगों के खाते में पैसा आया है। जैसे ये है ब्रजरानी, ठीक है, ब्रजरानी है, ये है फूल कुमार, इन लोगों के इनके ये जो पेंशनर्स का नाम है, ठीक है, यहाँ पे पेंशनर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके खाते में पैसा है 1500, यानी कि 2500 रुपये आया है। बैंक का नाम इनकी आर्यावर्त बैंक है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। खाता संख्या के इनके लास्ट के 4 डिजिट लिखे हुए हैं, तो यही है, ठीक है। इनकी कास्ट क्या है, वर्ग कौन सा है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही है जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जय श्री कीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।